इतना सारा हमारा सूखा हुआ लर निकल गए। दूसरी तरफ रूबी जो है जहाँ जहाँ अलग अलग घास सब फेंका हुआ है उसको उठा के एक तरफ रख रहे हैं तगाड़ी में। इतना सारा बोझा मतलब एक बोझा ले लिया है और अभी इसको लेके जा रहे हैं घर। अभी एक बोझा यहाँ पर पड़ा हुआ है। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। डुगू और रूबी दोनों का सुबह हो गया है और सुबह सुबह डुगू जो है ब्रश ले लिया। ब्रश करने के इनको मन कर रहा था आज। दोनों माँ और बेटे आज स्टार्टिंग से ब्रश करना शुरू कर दिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उठते उठते पता नहीं क्या हुआ इन लोगों को, आज एक साथ दोनों ब्रश कर रहे हैं। बहुत जोर की भूख लगी है और एक दिन फास्टिंग हुआ है, उसके बाद तो लग रहा है कि पूरा पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। रात का खाना जो भी बचा हुआ होगा उसको हम लोग खाएंगे। और आज का ब्लॉग खास होने वाला है क्योंकि आज का ब्लॉग में हम लोग प्राकृतिक चीज को अपने हाथों से उसे अच्छे से ऐसे ऐसे काटेंगे। और आज दीदी और जीजू भी आने वाले हैं तो आज बहुत ही सरप्राइज है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और डू साहब का क्या पर्पस है सुबह सुबह ब्रश करने का, इसे पूछ लेते हैं। हम लोग दोनों आज बहुत ज्यादा भूखे हैं। डुगू सुनिए, डुगू आपको भूख लग गया है? डुगू देखिए, डुगू जो है मम्मी को ब्रश करा रहे हैं। बस बस डुगू, और ये तो मेरा ब्रश ले लेते हैं, अपना ब्रश इनको करना नहीं होता है। तो रूबी जो है आज इतना मूड में है कि आज लगता है कि नहाएंगे नहीं, सीधे खाना खा लेंगे। और ये बोल भी रहे थे लेकिन जबान तो सही निकल रहा था लेकिन ये उलट दिए, बात अलग हुआ। हमारा जो आज काम है ये लर देख रहे हैं अपना कितना हरा भरा है। इसके ऊपर में ये नेनुआ का लर जो आपको मैंने बताया था, रेसिपी दिखाया था, इसको हमें हटाना पड़ेगा। सारा जो है ना हमें कुछ खराब दिख भी रहा है, इसके साथ में कीड़े भी इस पर वार कर रहे हैं इसके थ्रू से। सारा घास भी हटाना है, बोर्ड से घास भी नहीं हटा पा रहे हम लोग। तो डुगू जो है दरवाजे के पास आ गए हैं और ये जो कुंडी देख रहे हैं अपना, इसको ऐसे ऐसे खोलते हैं लेकिन खोल नहीं पाते हैं, इनका यही प्रॉब्लम है। बस इनका क्रिया हो गया बस इधर फेंकने के चक्कर में कि इधर हम फेंक दें। इधर देख लीजिए ये जो है ना लर सूखा हुआ इधर साइड में काफी ज्यादा है तो दोनों तरफ से हमें हटा लेना है। और दोस्तों रूबी जो है बोल रहे थे दवा छिटने के लिए, तो इसका नियम है शाम को छिटने के लिए, सुबह में नहीं। और प्लस में डुगू साहब हमारे देख ही रहे हैं, बोदी खाते रहते हैं, दवा ऐसे हम छीट नहीं सकते हैं, इसके लिए हम सेपरेट शाम को छीट देंगे। आइए फिर ये सारा जो हम काम कर लेते हैं। तो घास भी हटाना है? घास भी हटा देंगे, इसको भी कर देंगे, क्या दिक्कत है दोस्तों। आज डुगू के पापा बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं और देखते हैं इनसे होगा कि नहीं। धूप तो हमारे सूर्य भगवान एकदम सामने है, इसको ना जला सकते हैं, रिव्यू पूरा ड्राई है। लकड़ी खाना बनाने के लिए इसको अलग रख दीजिएगा, सूखेगा तो जला देंगे। सब सूख गया है ना, ये देखिए। चाकू दे क्या? चाकू इसलिए आते तो अच्छा होता, कहीं कहीं ना निकल नहीं पाता है। लर टूटना नहीं चाहिए, लर दे के कीजिए, लर टूटना नहीं चाहिए। टूट जाएगा तो क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं बहुत हरा भरा लर है, सब्जी खाने को देगा, आप समझिए। घर पे सब्जी नहीं था तो हम लोग कैसे तोड़े थे घर का सब्जी, कितना अच्छा लगा था खाने में। अब निकले तब ना हम क्या करें, मेरा देखिए फूल जो है ना बर्बाद हो रहा है। ये है रहा हमारा अड़हुल का फूल, जब फुलाएंगे तो बहुत अच्छा लगेंगे। देखिए ना मैं सूख गया, नहीं लग पाया था वो अति से छाह से नहीं लग पाया, ये जो था ना सूख गया हमारा बहुत पहले। और डुगू देखिए, डुगू भी पापा के साथ भिड़े हुए हैं, काम करने के लिए नहीं बल्कि काम खराब करने के लिए भिड़े हुए हैं। देखिए देखिए आपको दे रहे हैं, ये सब आपके लकड़ी निकल रहे हैं चूल्हा के लिए काम आएंगे। जो जो बड़ा बड़ा लकड़ी कुछ है ना, इस लकड़ी को यहाँ से ना खंभा दे देंगे तो हमारा लर अच्छा सेपरेट हो जाएगा। मुझे सूखा हुआ लर काट रहे हैं, उससे हमारा हरा भरा लर टूट ना जाए, इसीलिए लोग वो चाकू दे देते हैं। लीजिए, जहाँ पूजा करते हैं हम लोग ना वहाँ थोड़ा सा साफ कर दीजिए। अच्छा वहाँ पे एलोवेरा भी, वहाँ पे एलोवेरा के स्थान पर ना सब हटा के फ्रेश कर दीजिए। और यहाँ भी बहुत सारा घास है इस साइड में भी, पहला पुष्प हटा लीजिए। और डुगू जो है अभी कुदाल से खेल रहे हैं लेकिन नहीं खेलना चाहिए, ये नोकीला होता है। रूबी आप एक कुदाल पकड़िए। रूबी इतने सारे घास अभी निकाले हैं और कुछ घास अभी निकाल रहे हैं, बारीकी से पूरा निकाल लीजिएगा। दोबारा कर लेते अच्छा रहेगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो देख रहे हैं ना, जहाँ पर हमारे अड़हुल का फूल है, जस्ट इसके बगल में अपने आप ना एक अमरूद जाम गया है, एक नहीं बल्कि दो चार अमरूद हैं जो लग गए हैं। छींटे थे आप? हाँ।
और दोस्तों पपीता भी एक यहाँ पे इतना बड़ा हो गया है हमारा, बस कीड़ा से बचना चाहिए, बहुत कीड़ा हो गया दोस्तों। अमरूद एक और था, हाँ यहाँ पर अमरूद है, इसमें बहुत ज्यादा घास जो पत्ती होते हैं ना सूख सूख कर सब लग गए थे, जिसके कारण से हमारा पौधा बड़ा नहीं हो पा रहा था। और जब फल नहीं दे रहा तो उसको हम रख के क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं है। और दोस्तों ये क्या है पता है आपको, पुदीना, शायद आप लोग नाम सुनेंगे या कोई जानते भी होंगे, ये सारा पुदीना है। बहुत पहले मैंने थोड़ा सा लगाया था, ऐसा प्रजाति है ना, थोड़ा सा लग गया तो आपको निकलते रहेगा, ये थेथर ही बोल सकते हैं, ये थेथर समान होता है। गाना इसका बहुत फेमस चला था, लेले पुदीना लेले पुदीना, और भी कभी तक गाना याद है, लेले पुदीना लेले पुदीना, और कैसे बताइए, रूबी को अच्छी तरह से आता है गाना, हमको उतना नहीं आता है। दोस्तों इधर साइड का जो था पूरी तरह से हम लोगों ने क्लीन कर दिया, इसके बाद इधर साइड में रूबी जो है अभी लगे हुए घास को हटाने में, दूसरी तरफ हमारा सूखा लर, हमको आज ड्यूटी मिला है सूखा लर को हटा देना है। दोस्तों इधर साइड का ना मत पूछिए, बहुत ज़्यादा है, ये देख रहे ना सब कैसे निकल रहा है, इतना इतना निकल रहा है एक बार में, आपके ऊपर नहीं छीटेंगे हम, आप टेंशन मत लीजिए। और दोस्तों एक नया फर है कुंदरी, जो आप देखे होंगे मैंने बहुत पहले लगाया था, ये रही वो कुंदरी, इसका रेसिपी आपको हम बना के दिखाएंगे, बहुत अच्छा लगता है खाने में, स्वाद लगता है। और इसका खासियत यह है कि सालों भर आपको खिलाया गए, सिर्फ एक बार बोना है, और थेथा सामान होता है, लग जाएगा एक बार, हर साल आपको लगते रहेगा ऑटोमेटिक, बार बार आपको रोपने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसे। रूबी को तो कहना ही नहीं है, ये घास घास सिर्फ रटे जा रहे हैं और घास के बारे जा रहे हैं, और डुगू थोड़ा सा फल खा रहे हैं। इधर आइए, कीड़ा काट देगा बेटा, इधर आइए, इधर आइए। दोस्तों इतना सारा घास यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, और डुगू यहाँ देखिए पापा के पास जा रहे हैं, और डुगू के पापा लर तीरे जा रहे हैं, मार फेंकी बाहर फेंकी बाहर फेंकी, लग जाएगा डुगू को, हाँ ढंग ढंग अच्छा से लर देखिए, लर लर वहाँ पे टूट जाएगा, नहीं टूटेगा बाबा, बहुत मेहनत से लर को लगाए हैं, सोच लीजिए तोड़ दीजिएगा तो खाना पीना सब बंद कर देंगे आपका, हम आपने लगाए हैं, हम लगाए हैं, जो भी हो कितना मेहनत से लाए हैं, है याद ना, इतना सर ने फेंक दीजिए यहाँ पे, डुगू लग जाएगा, डुगू साइड हो जाइए, डुगू इधर आ जाइए, ये सब घास कबार देते हैं, काफी बड़े बड़े हो गए हैं, देखिए कबड़ने लायक है तो कबाड़ दीजिए, कुदाल से इसको मोछिए, है ना दोस्तों, ये बड़ा सा है इसी को गाड़ देते हैं, इतना बड़ा काफी है। नीचे इसके नीचे देखिए क्या है, उसको क्या बोलते हैं रूबी, वो क्या है, सांप वाला जड़ी, सांप वाला जड़ी ऐसे हम लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ इसका और दूसरा नाम है याद नहीं आ रहा है। ऐसे दोस्तों आप लोग को पता होगा, हमें कमेंट में बताइएगा किस चीज का पौधा है, और यहाँ पे लर को ऐसे करके छोड़ दीजिए, ऐसे हाँ हो गया, गिरेगा नहीं, तब तक ये सारा घास को आप निकाल दीजिए, एक यहाँ पर नींबू पूरा ढक गया ना, नींबू को भी छोड़ दीजिएगा, बड़ा होगा नींबू तो फल देगा। दोस्तों फाइनली इतना सारा हमारा सूखा हुआ लर निकल गए, दूसरी तरफ रूबी जो है जहाँ जहाँ अलग अलग घास सब फेंका हुआ है उसको उठा के एक तरफ रख रहे हैं तगाड़ी में, इधर इतना सारा घास अभी जस्ट निकला है, और यहाँ पर देख लीजिए कितना सारा क्लीन हम लोग किए हैं, पहले से कितना बेहतर अब लग रहा है देखने में, सुंदरता में चार चांद लग गई हमारी। इधर भी आप देख लीजिए, ये रहा हमारा एक पौधा है वो, और इधर साइड में भी है काफ़ी ज़्यादा पौधे हैं, इतना बड़ा हमारा हो गया पपीता जो शायद आप कभी देखे भी होंगे, इधर साइड में नींबू और ये एक पौधा, तो चारों तरफ हम लोगों ने पूरी तरह से क्लीन कर दिया है, और हरा भरा आपको दिख रहा होगा, अब डुगू जो है ना वहाँ तक खेलने चल जाते हैं, जिसके कारण से हमको ये सब करना पड़ा। और दोस्तों रूबी जो है इतने अभी उठाए हैं घास को, और भी बहुत बचा हुआ जो फेंकना है, बाहर से फेंकना पड़ेगा, जाइए जाइए, और डोगू जहाँ गेट खुला हाजिर हो गए, दौड़ के आते हैं गेट खुलते साथ में, पता नहीं को कितना पसंद है बाहर में सैर करना, मम्मी के पास चले गए, आइए डोगू आइए, रूबी ना पूरा बोटा का बोटा उठा ले रहे हैं एक बार में पूरा, लेकिन मिट्टी से पकड़ा है ना तो बहुत वजन लग रहे हैं, हॉप जा रहे हैं करते करते, एक बार में नहीं जाएगा दो बार में जाएगा ना, हाँ एक बार में और ले लीजिएगा, अब खत्म हो जाएगा। दोस्तों हमने सारा घास फेंक दिया है,
अब रही डुबू के पापा की बारी, तो बोल रहे हैं कि हम कर देंगे, आप छोड़ दीजिए, इतना सारा हो गया है, वहाँ पर रख दीजिए ना, वहाँ पे किनारे में, एक सांस का हमारा खाना बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, छोड़ दीजिए, वो सूख जाएगा तो वहाँ से फिर जलाने के लिए लकड़ी हमारा काम दे देगा। तो डुबू के पापा यहाँ पे पूरा साफ कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा घास हमारा रखा हुआ था, इधर से करके थोड़ा सा इधर भी लगा दीजिएगा, उधर किनारे कर दीजिएगा, हो जाएगा, कर दीजिएगा। तो अभी पूरा हाथ मेरा गंदा हो गया है, क्योंकि वहाँ पे नाले के पास हम साफ किए थे, अभी फटाफट हम ब्रश कर लिए, जा रहे नहा लेने, नहाने के बाद फिर हम किचन में कुछ खाना वाना बनाएंगे, काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, कितना 9 बज गया शायद, नहीं पता 8 बज रहा होगा, 9 नहीं बजा होगा, तो फटाफट से नहा लेते हैं, आप भी ब्रश कर लीजिए, तब तक हम लोग जा रहे हैं, सब तैयार रहते हैं, पता नहीं कब आएंगे दीदी जीजा जी सब, तो आज हम लोग जो है स्पेशल आपको मतलब नया चीज जो है आपके साथ शेयर करने वाले हैं आने के बाद उनका। और दीदी बहुत प्लान बना के आ रही हैं। दोस्तों रूबी और डुगो दोनों तैयार हो गए हैं, और अभी जाने वाले हम लोग कांसी काटने के लिए, उसका यूज जो है झाड़ू ये सब बीनने में होता है ना, झाड़ू चटाई सब बीन सकते हैं उसे, तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारे यहाँ कैसा होता है कांसी और कितना बड़ा बड़ा होता है, ऐसे तो पता नहीं आपके भाषा में क्या बोलते हैं, लेकिन अभी आपको दिखाएंगे तब कुछ समझ में आएगा वो है क्या आखिर। दोस्तों अब हम अकेले भी नहीं है, और दीदी हमारे साथ हैं, और जीजा जी गेट खोल रही से खुल नहीं रहा है, लगता चाबी आज भूल गए कि कहा, दूसरा चाबी ले आए ना जीजा जी, देखिए इनसे ताला नहीं खुला नहीं। और पानी की वजह से देखते हैं हमसे खुलता भी है नहीं। दोस्तों माफ कीजिए ये ताला जो है ना पूरा जंग लग गया है, पानी गिरने की वजह से ये खोल नहीं पा रहा है, हम लोग तेल भी डाल के देखे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और ये चाकू भी लाए थे काटने के लिए, अब घुस ही नहीं पा रहे हैं तो कैसे घुसे, अब देखते हैं अगर खुल जाएगा तो काबू हो पाएगा हमारा। दोस्तों काफी मुश्किल के बाद जीजा जी ताला खोल दिए हैं, और अभी हम जाने वाले वहां पर, उसके पहले यहाँ पर देख लीजिए रूबी जो है कुछ तैयारियां कर रहे हैं जीजा जी और दीदी को खिलाने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी आती नहीं है दीदी, बहुत दिन बाद जीजा जी तो आते हैं सप्ताह में, दीदी नहीं आती है, तो सोच रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा उनको बनाए खिला देते हैं। तो ये रहा प्याज आलू की पकौड़ी बनाने वाले हैं, तब तक हम डुगू और दीदी को लेकर जाने वाले वहाँ पर, देखते हैं क्या क्या काट लीजिए, काट लेंगे, झड़ बनाएगा दीदी बना देंगी, चाकू दीजिए, आपका चाकू कम हो गया ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा मेरा काम। तो दोस्तों ये रहा चाकू, अब इसी चाकू से हम लोग कट करने वाले हैं कांसी को, चलिए डुगवाइए। दोस्तों अब हम यहाँ पर आ गए, दीदी आराम से चढ़िएगा ना, थोड़ा सा देखिएगा दिक्कत होगा आपको, नहीं उसको दीजिए, आराम से चढ़िए, आप आ जाइए, दीदी जल्दी आ नहीं पाते हैं, इनका हाथ टूट गया था, आप देखे भी होंगे पिछला वीडियो में एक बार मैंने डाला था, तो काफी ज्यादा दिक्कत है, और जीजा जी गेट खोलने बाद सीधे भिड़ गए हैं खेत में अपना, और यहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ फसल रोपे हैं, जैसे कि देखिए आम का पेड़ कितना बड़ा हो गया, आपको हम नजदीकी से दिखा देते हैं, लीजिए चाकू। दोस्तों ये रहा आम का पेड़, देखिए इतना बड़ा हो गया है, इसके बाद में मुनगा भी लगाए हुए हैं, जो भी अच्छी तरह से नहीं निकला है लेकिन निकल जाएगा, एक वो आम है, एक और यहाँ पर आम का जो है पौधा बड़ा हो गया है, और अभी देखिए हम लोग इस कांसी को कैसे काटते हैं, जीजा जी तो भीड़ गए काटने के लिए, देखिए। और दोस्तों एक चीज हम आपको दिखाना भूल गए, अमरूद देखिए कितना बड़ा हो गया यहाँ पर, जीजा जी खुद अपने से लगाए थे, और यहाँ पर बैगन है और मिर्चा भी रोपा हुआ है, मिर्चा टमाटर ये सभी यहाँ पर लगे हुए हैं, जय लाइन हम काट देते हैं, छोड़ दीजिए आप, जय जी लाइन काटते हैं, कैसे काटेंगे देखते हैं इसी से कैसे हम काटेंगे, इसका झाड़ू बनाएगा कि झाड़ू बनाएंगे, और देखिए क्या क्या जिया जी बनाते हैं, अब यही बनाएंगे इसलिए काट के रख रहे हैं। दोस्तों इसको काटना ना थोड़ा सा काफी टफ है, और हमारे पास हसुआ नहीं है, और हम लोग चाकू से ही काट रहे हैं, तो इसलिए जल्दी कट नहीं रहा है, और डुगू साहब को यहाँ पर राज हो गया है, देखिए डुगू को यहाँ पूरा खेल रहे हैं यहाँ से वहां तक, डुगू यहाँ पर आते हैं खेलते ही रहते हैं, हाँ
देखिए कुछ दुगो आपको दिखा रहे हैं, पता है क्या दिखा रहे हैं? पत्थर एक उठा लिए हैं, पत्थर को फेंक रहे हैं उस घर में, उस पत्थर को आपको दिखा रहे थे। हाँ वैसे वैसे था दुगो। दोस्तों ये ना एक एक करके अभी दीदी छांट रहे हैं जो कांसी है उसको, घास वाला छोड़ दे रहे हैं। अभी भी जिया जी काटने में लगे हुए हैं, बस थोड़ा और बचे हुए हैं। दोस्तों हम और डुगू दोनों भी घर पे आए हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए इतना सारा अभी जो है रुगू निकाल दिए हैं और थोड़ा बहुत और बचा है जो खाई निकाल रहे हैं। कुछ दो को दे दिए खा लेंगे। डुगू आइए खाने के लिए, डुगू डुगू लीजिए आइए ला खाइए लीजिए, डुगू लीजिए, कटोरी से ले लिए डुगू अभी खाएंगे, आप खाइए। हाँ दोस्तों आप लोग खा लीजिए, डुगू आपको खिला दिए। दोस्तों रूबी को मन नहीं लगा वहाँ पर और बनाने के बाद सीधे यहाँ पर आ गए हैं हमारे प्यारे जिया जी, देखिए वहाँ भिड़े हुए हैं काटने के लिए और दीदी यहाँ पे अच्छे से सरिया रहे हैं कहूँ करके, इतना सारा सरिया दिए हैं अभी और ढेर सारा निकला हुआ है। और इसका अभी देखिए दीदी क्या क्या बनाने वाले हैं, झाड़ू बनेगा, टोकरी बनेगा, झाड़ू टोकरी और बस। तो झाड़ू बनेगा टोकरी बनेगा, कब बना के दिखाएंगे दीदी पता नहीं। छोटा मोनी बनेगा हाँ। रूबी आपको आता है? नहीं रूबी को तो बिल्कुल भी नहीं आता है, अब इनको सीखना पड़ेगा। डुगू आप सामान मत को छिटिए, सब लोग चुनने पे हैं और डुगू अपना काम में लगे हुए हैं, क्या करके छिटने पे हैं। दीदी से सीख लेंगे तो आसान हो जाएगा ना, यहाँ तो हर साल जमेगा तो अगला साल हम खुद से बिल लेंगे। अगला साल नहीं, इसी में इतना सारा क्या करेंगे आप, सीख लिए दीदी कैसे बनाते हैं। इस वर्ष दीदी से सीख लेंगे, अगला साल खुद से बनाएंगे, दोनों मिल के बना लेंगे। हाँ। तो एक जो है ना आपके साथ सेपरेट वीडियो शेयर करेंगे जिसमें कैसे इसको बनाते हैं वो आपको साथ दिखाएंगे, और आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन देखना चाहते हैं इसका क्या क्या बनता है और कैसे बनता है। और हम लोग इसे बोलते हैं काशी अपने ठेठ हिंदी देहाती भाषा में, और आप लोग इसे अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हमें कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा। इसका ना किचन में ऊपर डालने के लिए बहुत अच्छा था, छज्जी बनाने के लिए, लेकिन उतना भी नहीं है जिससे हम लोग डाल सके। दोस्तों रूबी जो है इतना सारा बोझा मतलब एक बोझा ले लिया है और अभी इसको लेके जा रहे हैं घर, अभी एक बोझा यहाँ पर पड़ा हुआ है और जीजा जो लाने लाने कर रहे हैं, इतना में काम हो जाएगा क्या? इतना में सब लेके जाना होगा, अभी कहाँ रखेंगे, जगह मेरा पूरा आंगन भरा पड़ा खाली है, तो फिर चलते हैं उसको लेकर।